रवायत सुनाते हैं, दाऊद के अंदर इसको नकल फरमाया, बोलते हैं कि नबी पाक ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स बैठे किसी जगह पर बैठे और अल्लाह का जिक्र ना करे तो अल्लाह की तरफ से उसको बहुत घाटा होगा, या कोई शख्स लेटे और अल्लाह का जिक्र ना करे तो अल्लाह की तरफ से उसको बहुत घाटा होगा। घाटा कहते हैं नुकसान को, लॉस। अस्थान रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस हदीस से ये साबित है कि हर मौके पर और हर जगह इंसान को अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, इतना ज़रूरी है अल्लाह का जिक्र कि कोई मौका या कोई वक्त कोई जगह ऐसी ना हो कि इंसान अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो। ये अल्लाह के जिक्र की अहमियत है जो हदीस में है, और उसके नुकसान कितना है। नुकसान ये है कि अल्लाह की तरफ से घाटे में होता है कि इन हालात के अंदर, जैसे कुरान ने कहा लजीन जिसम वाला जनूब है, कि हर वक्त बंदे को अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। लेकिन हदीस के अंदर ये भी बता दिया कि ऐसा कोई आदमी होगा यह ना करेगा, अल्लाह के जिक्र के साथ उसकी ये नस्बत नहीं होगी, इतना ताल्लुक नहीं होगा, तो फिर क्या है, अल्लाह की तरफ से वो घाटे में है। क्या मतलब, कैसा घाटा, कि अल्लाह जिस वक्त वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो, अल्लाह का जिक्र नहीं करेगा, उस वक्त अल्लाह की रहमत उस पर नहीं होगी। जिस पर अल्लाह की रहमत नहीं होगी उस पर अल्लाह की बरकत भी नहीं होगी, जिस पर बरकत नहीं होगी उस पर नहमत नहीं होगी। तो गोया ये कि सबसे बड़ा नुकसान इंसान का ये हो जाता है कि इंसान अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में बहुत कमज़ोर हो जाता है। कर तो रहा होता है वह माल, चल फिर तो रहा होता है, लेकिन अल्लाह की रहमत से महरूम होता है वो शख्स। अभी देखें आप कि किस कदर ज़रूरी है अल्लाह का जिक्र, और इस जिक्र को न करने की वजह से इंसान कितना महरूम है। तो अल्लाह से दूरी का जो वजह है उसकी वजह सिर्फ यही है कि इंसान अल्लाह के जिक्र से दूर होता है। तो बताए इस हदीस में यह है कि हर हालत में और हर वक्त हर मौके पर इंसान को अल्लाह को याद करना चाहिए। इतना अपने आप को अल्लाह के जिक्र के साथ मुंसलिक करे, ताल्लुक रखे, कि वो फितरी तौर पर नेचुरली तौर पर, जैसे हम सांस ले रहे हैं ना, हम कौन तो नहीं कर रहे सांस ले रहे आदमी, एक नेचर हो जाती है ना आदमी की, इस तबीयत पता चला हुआ सांस ले रहे हैं, आ भी जा रहा है, निकल भी रहा है, जा भी रहा है, नहीं निकल रहा। हालांकि ये ऐसी चीज़ है कि एक
तो जब सांस रुकेगी, रुक गया तो वही मौत वाक़ हो जाती है इंसान की। इतनी कीमती चीज़ है, उस वक्त एहसास होता है कि सांस बाहर क्यों नहीं आ रहा मेरा। ये कोरोना में होता था लोगों के साथ, एक सांस की वजह से आदमी किस कदर परेशान होता था, हॉस्पिटल जाता था कि सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा, एहसास होता ना इंसान को। तो इसी तरह जिक्र जो है इंसान की फितरत बन जाए, यानी उसके शोर में लाशूरी तौर पर हर वक्त अल्लाह के जिक्र में महव रहे, ये चाहते हैं अल्लाह अपने बंदे से आप ही लगे। कितनी जगह कुरान अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि कसर के साथ तुम मुझे याद करो। अल्लाह को इससे क्या फ़ायदा है, फ़ायदा बंदे क्यों है? हम तो मोहताज हैं हर वक्त अल्लाह की रहमत के, अल्लाह की बरकतों के, अल्लाह की नेमतों के। अल्लाह महरूम कर देते हैं ऐसे इंसानों को, उसकी ना ज़िंदगी में बरकत रहती है, ना माल में, ना औलाद में, ना घर में। ज़ाहिर है मौत वगैरह तो फिर है ही मामला, आखिरत का तो बहुत ही फिर अफसोसनाक होगा, वह इंसान का नुकसान होगा। तो यही वजह है, देखें अल्लाह वालों ने तभी अल्लाह के जिक्र के साथ ताल्लुक़ को मजबूत किया। जब बंदा जिक्र के साथ ताल्लुक़ मजबूत करता है तो फिर वो खुद ब खुद अल्लाह के साथ ताल्लुक़ उसका मजबूत होना शुरू हो जाता है। ये अल्लाह ने जरिया रखे है ना, और जब अल्लाह के साथ ताल्लुक़ उसका मजबूत हो जाता है तो अल्लाह का दोस्त बन जाता है। फिर उसको दुनिया की इतनी हविस और मोहब्बत नहीं जाती। इब्न आदम रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े वजू गुजरे, पैदाइश के वली तो नहीं थे, वो पैदाइशी कुतुब गौस तो नहीं थे, वो तो एक बादशाह थे, एक सल्तनत के बादशाह थे। जो बादशाह जैसे होते हैं, महलात होते हैं, बेगमात होती हैं, माल दौलत होता है, उनके पास तो ये सब कुछ था। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फजल फरमाया और अल्लाह ने अपनी तरफ रागिब किया उनको, और जब महबूब अल्लाह के जिक्र के साथ, इन्हें बता रहा हूँ कितना फ़र्क इंसान में हो जाता है। तो फिर देखा कि एक दफा बैठे दरिया किनारे बैठे थे, कि गुदड़ी जो थी फटी सी थी, उस पर सी रहे थे सूर्य के साथ, लिखे हैं किताबों में। तो कोई वहाँ से गुजर रहा था, उनका दरबार जो पुराना जानने वाला था, उसने गौर से देखा कि ये तो बादशाह सलामत बैठे हैं, शक्ल तो उनसे मिलती जुलती है, कुछ हुलिया चेंज हुआ है, देखें उसे वही तो है या कोई और है। वो पास गया तो बादशाह सलामत, उसने बड़े अदब से सलाम किया, जैसे सलाम करते हैं, करता था उसको आदत थी। अरे ये क्या किया आपने बादशाह सलामत, फटे कपड़े पहने, उंगली सी रहे हैं, इतनी बड़ी सुल्तन को आपने छोड़ के क्यों छोड़ा आपने, ये क्या किया आपने? तो आपने कहा तो मैं बादशाह तो उस वक्त नहीं, बादशाह तो अब हूँ, उस वक्त तो तुझ जैसे बेवकूफ़ में हुकूमत हुकूमत करता था, तो अल्लाह ताला ने अब तो हुकूमत बड़ी बहुत वसी कर दी, अब तो बहुत वसी हो गया हुकूमत। उसने जी वो कैसे देखे, ऐसे उन्होंने सुई जो थी जिससे सी रहे थे दरिए में फेंक दी, कहते जा तेरे बादशाह ना उठा के ला सुई। कहते सुई कैसे उठा के लाऊँ, तो पता ही कहाँ चली गई दरिया में, गायब हो गए। कि देख मेरी हुकूमत देख किधर कहाँ तक और कैसे अल्लाह ने मेरी हुकूमत को फैला दिया है। तो उन्होंने कहा मछली हो मेरी सुई गुम हो गई है, मेरी सुई लेकर आओ। जानवर या फिर आवाज़ समझने लगते हैं आदमी की। ये बताऊँ ताल्लुक बल्ला की बात कर रहा हूँ, यानी कितना वक्त ज़ाय करते हैं, कितनी जिंदगी ज़ाय कर रहे हैं, और कितनी कीमती चीज़ है कि ऐसे बन जाता है इंसान। ये हमारी असलियत है, ये हमारा असल मुकाम है, ये असल मुकाम इंसान का, ये बिल्कुल ये कैफियत हर आदमी की, ये कैफियत है जो अल्लाह ताला चाहता है अपने बंदे से। ये कोई ख़ास मखसूस नहीं होता कि भाई औली अल्लाह बन गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो समझ गया है कि दुनिया में जो हमें भेजा गया है वो इसलिए भेजा गया कि बस अपने रब से ताल्लुक को बना लो, मजबूत कर लो। जिसका ताल्लुक बन जाता है फिर अल्लाह की रहमत को इन्हें घाटे में रहा है। बहुत बड़ी हदीस है, स्थानीय रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कितना बड़ा सबक अल्लाह ताला दे रहा है, कितना बड़ा घाटा तू कर रहा है एक एक अमल ना करने की वजह से, कि अल्लाह की रहमत से तू महरूम हो गया, अल्लाह के ताल्लुक से तू कमज़ोर हो गया। देखो खाना पीना उठना बादशाह ये सब चीज़ें जो हैं ये कोई असल तो नहीं है, ये तो ऐसे ही से ख्वाब में आदमी है, ख्वाब के अंदर बादशाह बन गया, उसको मेहनत आ गए, उसको ये हो गया, 8 घंटे के बाद सो के उठा तो सब गायब हो गया।
तो 8 के साथ एक जीरो और लगा दें, अब तो 80 साल हो गया। तो 8 साल 8 घंटे का ख्वाब था, ये 80 साल का ख्वाब बन जाता है इंसान का। ये 80 ईयर्स है, और आखिरत के 80 ईयर्स तो कुछ भी नहीं है, वो तो 8 घंटे से भी कम होंगे इंसान के। जब कब्र में जाएंगे तो अल्लाह पूछे कितने दिन रहे, दिन की क्या बात है, मैं तो एक लम्हा भी नहीं था जी, मैं तो वापस आ गया हूँ, मुझे तो पता भी नहीं चला। ये हकीकतें जो कुरान और हदीसें में बताती हैं। तो जब हम मिल के ये बातें करते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है तकीर कर रहा कुछ नहीं, बल्कि अपने ईमानों को मजबूत करते हैं। हम भूल जाते हैं बातें ये, तो अल्लाह कहे ऐसी मजालिस से अंदर फ़ायदा ही होता है। जैसे मजलिस में इंसान बैठता है और कहने वाला कोई बात करता है, तो ज़ाहिर इसके मकसद ये नहीं होता कि भाई कि वक्त गुजारी के लिए बात करो, नहीं, क्योंकि हम भूले हैं, रास्तों को भूले हैं, अपनी असलियतों को भूले हैं। ये हदीसें हमारे लिए मशल राह हैं, बहुत बड़ी कीमती चीज़ें जिनके अंदर नूरी नूर है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप इमाम अल-अंबिया की कोई गुफ्तगू हो और वो हम सुन रहे हो, कितनी बड़ी बात है, सोचने वाली बात है कि सरकार की उनके जो गुफ्तगू ज़बान मुबारक से लफ्ज़ निकले हुए हैं, एग्जैक्ट वही लफ्ज़ हम सुन रहे हैं। यानी ये कोई कम बात है, और कितना बड़ा नबी बहुनी मौज़ा है। आप देखें कि जो काला काला रसूलुल्लाह है, इसमें से आप कोई लफ्ज़ ऐड नहीं कर सकते, कोई मनफी नहीं कर सकते, हुआ ही नहीं है। वो हदीस ही नहीं बनती, इसका नाम हदीस है ही नहीं, रवायत है ही नहीं। तो कितना बड़ा मौज़ा है मेरे नबी का सस्म का, कि देखें वही लफ्ज़ जो आज बोल रहा हूँ 14-15 साल से पहले, बिल्कुल यही लफ्ज़ बोर्डर में बैठ के मेरे लोग सुनेंगे बातें। तो कितना नूर होगा उस लफ्ज़ में, तो कितनी जब क्या काला काला सूरज कहते हैं हम, अल्लाह ने अल्लाह के नबी ने फरमाया, और सुनने वाले कौन थे, अबू हुरैरा थे, वो रवायत फरमाते हैं सुभान अल्लाह। तो आप बताएं ये कितनी बड़ी नेमत है कि वो लफ्ज़ नूरानी हम तक पहुँच रहे हैं, हम मस्जिद में बैठ के आराम से अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो सुना रहे हैं। तो अगर हमारे दिल पर उसका असर नहीं हो रहा, यकीन हमारा दिल जो है दिल स्याह हुआ हुआ है, सख्त हो चुका है, कि इतना बड़ा नूर हमारा दिल पर असर नहीं कर रहा उसका, कि नहीं भाई क्योंकि गुफ्तगू हमें कोई सुना रहा है। अक्सर होता है ना हमारे खानदान के बुजुर्ग वाले साहब हों, वो कहे जी मैं आपको दादा जान की बात बताता हूँ, खोर से सुनेंगे जी क्या कहते थे दादा जान, इज्जत है ना दादा की बात सुनने की, फायदे की बात हो गई, क्या फरमाया था जी, भी हमारे दादा ये कहते थे कि जब ऐसा तो खोर से आदमी सुनते हैं उस बात को, सुनते हैं ना लोग, इज्जत है। तो आज भी कहा जाए कि नबी ये फरमाया, तो ये कम बात है, मुझे बताया कितने गौर से सुननी चाहिए वो बात, कि क्या उसमें अल्लाह ताला ने कितने राज पोशीदा किए होंगे। तो इन्हीं राजों को जो समझ गए तो इब्ने आदम बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, बादशाह छोड़ेंगे कि बादशाह इससे क्या घटिया चीज़ें। तो उन्होंने इसलिए रास्ता अख्तियार नहीं किया कि मछलियाँ मेरे अंदर आ जाएँ या फलां चीज़ें मैं उसके बादशाह बन जाऊँ, नहीं, वो तो ऑटोमेटिक जब इंसान का ताल्लुक होता है ना, तो खुद ब खुद ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं। एक मकसद के लिए थोड़ी करते आदमी देकर ये काम नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली ही चीज़ हो जाती है उसकी, तो बादशाह बन जाता है फिर वो क्या करे, वो सुन रहे हैं मैं क्या करूँ, मैं चल रहा हूँ, वो कहता है मुझे तो नजर आ रही है मछली मेरी बात कर रही है, परिंदा मेरी बात कर रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। लेकिन इसलिए तो नहीं उसने किया, उसने तो अपने ताल्लुक अपने रब से जोड़ा है बस। अल्लाह कहता है तू मेरा बन जा, सारी मखलूक तेरी बन जाएगी, सीधी बात। उस तरीका अल्लाह ने बता दिया क्या, बस एक ही चीज़ है तुम जिससे मेरे पास तुम्हारा ताल्लुक बन सकता है, और वो मेरा जिक्र है। तो वही हम गफलत करते हैं जिक्र से। अब कितनी बड़ी बात कही है इसमें, हर वक्त हमें क्या करना चाहिए, अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। शाम होती तो खुद ब खुद दिल करता है चलो यार उस मस्जिद में बैठ कर जिक्र करते हैं, चलो वहाँ चल, जब ये कैफियत पैदा हो जाए तो समझो माशाल्लाह मोहब्बत हो रही है अल्लाह से। फिर समझो पता चलिए फ्रांसी का मस्जिद से हो रही जिक्र की, आप चलो यार बैठते हैं, जब ये कैफियत हो जाए ना इतनी भी हो जाए तो समझो सुभान अल्लाह, अल्लाह ने प्यार कर लिया आपके साथ, मोहब्बत को बूंद उतर गई अल्लाह ताला की। इतनी बात भी आ जाए इस ज़माने के अंदर, ये भी चीज़ आ गई यार वहाँ जिक्र होगा चलो बैठेंगे जिक्र करेंगे थोड़ी देर। इसलिए आप उठ के चले जाएँ एक चीज़ को छोड़कर, घर को छोड़कर, किसी मजलिस को छोड़कर, आप इस मोहब्बत में चले जाएँ, चले यहाँ वहाँ जिक्र होगा थोड़ा देर बैठेंगे, बस समझ जाए कि अल्लाह की मोहब्बत की बूंद पड़ चुकी है आपके दिल में। बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ने इतनी चीज़ मोहब्बत पैदा फरमा दी। तो ये जो है मैसेज कि अल्लाह का जिक्र करें हर वक्त, कोई लम्हे हमारे ऐसा ज़ाया न हो, घाटा होगा दुनिया में भी और आखिरत में, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। याद रखें
सारे दराजात जितने भी आखिरत में मिलने ना हमें, वो किससे मिलेंगे? ताल्लुक बिल्ला से मिलेंगे। जिसका जितना ज़्यादा जिक्र होगा उतने ज़्यादा बुलंद होगा। अब बताएं, अब हम सोच रहे हैं क्या कितना हम जिक्र करते हैं अल्लाह का, खुद सोचें। ये कोई जिक्र थोड़ी होगा कि बारह दसवीं कर ली बैठ गए, सुबहाना पढ़ लिया दस दफ़ा तीन दफ़ा पढ़ लिया, ये कोई जिक्र तो नहीं हुआ। ये जिक्र तो नहीं होना, जिक्र तो कहता है ऐसा होगा हर वक्त हर लम्हे तू जिक्र करता रहे। ये कैसे करेंगे हम? बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं, घर भी है, कारोबार भी है, सोना भी है, जागना भी हो, तू करे लेट भी करो सोते भी करो, कैसे करे? अरे कहते हैं मैंने इसका इंतजाम किया है, हिम्मत तू कर, ये काम हो जाएगा तेरे। कि तूने थोड़ी करना है, तूने थोड़ी करना है, ये वजूद जो मैंने दिया इसको जिक्र की तरफ ले आ बस। तो हर जो हर वजूद अल्लाह का जिक्र करे। बस हमें क्या करना है? इस दिल को अपना रागिब करना है दिल की अल्लाह का, बस और कुछ नहीं करना। दिल जो है ना हमारा, इसको हमने अल्लाह की तरफ रागिब करना है। ये ऐसी चीज़ है कि ये एक दफ़ा रागिब हो जाए ना अल्लाह की तरफ, बस फिर ये मशीन की तरफ चलना शुरू होता है, अपने अपने असल की तरफ चल पड़ता है फिर ये। अभी तो ये शैतान होते हैं, शैतान बच्चा होता है ना, स्कूल नहीं जाता, इधर से पकड़ो उधर पकड़ो, और जिस वक्त उसको स्कूल में डाल दो और फिर वो निकल नहीं सकता स्कूल से, फिर उसको जानी होता है, पता है मुझे मैं नहीं बच सकता, अब तो मुझे स्कूल में जाने जाना होगा, अब तो मुझे बैठना ही है। इसी तरह अगर दिल को इंसान काबू कर ले कि इधर की ख्याल मार रहे, उधर बातें सोच रहे, इधर ये कर रहे, उधर कर रहे, कितना वक्त ज़ाय कर रहे, कहता क्यों ज़ाय कर रहे? अल्लाह ने कहा था सोते में भी तू जिक्र कर सकता है। दिल को उस वक्त रुझान उधर कर दें आप दिल का, उसके लिए प्रैक्टिस करें आप अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी प्रैक्टिस ये है कि किसी अल्लाह वाले से आप मिलें जो इस काम के लिए अल्लाह ने मुकर्रर किया है, तो वो आपको तरीका बता देंगे, देखें दिल आपको चल पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ना आपको कोई काम रुकना है, ना कोई, ये जो ताल्लुक इसलिए बनाया इससे, क्यों अल्लाह ने कुरान में कहा कौन वहाँ साथ देखिए, इसलिए तो कहा कि भाई अच्छे लोगों के साथ बैठो, अब आपने जिक्र सीखना है। तो देखें सोचें पूछें यार कौन है जो जिक्र सिखाता है आदमी, यार किसी के पास चले? आम हालात में आदमी नहीं ढूंढते हम, मुझे बताया है किसी को जीन हो जाएंगे यार कोई आमिल है चलो पूछते फिरेंगे, कोई जीन उतार सकता है, कोई भूत उतार सकता है, कोई फला ये कर सकता है, पूछते नहीं पूछते। जब अल्लाह को पाना हो तो पूछें यार कोई अल्लाह वाला है ऐसा, जब नहीं मिल रहा चलो आपको नहीं मिल रहा यार तुम समझ नहीं आ रहा, यहाँ तो कोई भी है नहीं, कोई कहता है इंडिया जाओ, कोई कहता है बड़ोच में जाओ, कहता सूरत में जाओ, कहते पाकिस्तान जाओ, कराची जाओ, मैं वहाँ कैसे जाऊँ? फिर क्या करना चाहिए? रज़ी अल्लाह लगता मुझसे क्यों नहीं कहता तू, मुझसे बात कर, मुझे मांग रहा है तो मुझसे बात करना, दूंगा मैं आदमी पहुँचाऊँगा तुझसे। बस सुबह उठेंगे फजर की नमाज हो असर की नमाज हो इस दुआ से शुरू करें, अल्लाह ताला मुझे अपना दोस्त बता, अच्छा दोस्त मुझे मिला ताकि मैं अल्लाह का तेरा जिक्र सीखूँ, ताकि मैं भी जिक्र करने लगूँ। हज़रत आरवी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े खलीफा थे मुझे अपने थानवी रहमतुल्लाह की कराची के अंदर, जिनके मैं सोबत ली अलहमदिल्ला उनकी, हजरत ये जो है आपके मौलाना तकी साहब मुतज़िला अली और उनके भाई जो थे वो सब वहीं उन्हीं से ट्रेंड हुए सारे, उनके पास उनसे जिक्र सीखा उन्होंने। मुझे सामने का अजल खुल्फा में थे कराची में रहते थे, तो मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके जूते में बैठने को वक्त मिल गया था मुझे भी। तो वो फरमाते थे बड़ी प्यारी बात कि भाई ये बात समझ नहीं आती मुझे कि जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है इधर तक क्यों भागते हो, अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? अजीब तरीके से कहते थे, जिसने ये कहा है कि एक तस्मा भी टूट जाए तो मुझसे मांगो, हमें यकीन नहीं है ना अल्लाह पे, बंदे पे यकीन है कि ये दे देगा लेकिन अल्लाह पे यकीन नहीं है हमें। हालांकि सुना है कि अल्लाह कहता है मैं तुम्हें मुझसे मांगो मैं सुनता हूँ देता हूँ, लाचारों को देता हूँ, तकलीफों को दूर करता हूँ, बीमारियों को दूर करता हूँ, मोहताजों को देता हूँ, मुसीबत ज़्यादा मुझसे मांगते उसकी मुसीबतों को दूर करता हूँ, परेशान में हो तो उसकी परेशानी को दूर करता हूँ, मुझसे क्यों नहीं मांगते तुम? तुम तो तस्मा टूट जाए तो मुझसे पहले मांगो, मैं तेरा इंतजाम कर दूंगा उसके लिए। कितना अल्लाह ने रास्ता खोला। तो फरमाते थे कि तुम्हें क्या बात है कि हम इधर उससे पहले मांगते हैं, जब भी कोई चीज़ हो वक्त हो जाए बीमारी आ जाए कुछ है सबसे पहले मांगना किससे है? अल्लाह से मांगो, कितना भाव इधर उधर, पर फिर उसके बाद असबाब ढूंढ लो तो जो असबाब बनेंगे तुम्हें मेरी जानिब अल्लाह होंगे, वो आपकी याद रखें, अल्लाह की तरफ से आपका इंतजाम हो जाएगा पक्का।
इसको इस्तखारा भी कहते हैं। इस्तखारा ये नहीं है कि चलो एक बात बता दूं जो बुजुर्ग से सुनी है, हर वक्त इस्तखारा हो सकता है, हर काम के लिए इस्तखारा होता है, ये याद रखें, हर काम के लिए होता है। बड़ा आसान तरीका है उसका, जैसे अब आपको जरूरत है, मुझे कोई काम है मैनेज करना है, या मुझे भाई ऐसा काम है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई बात भी है, उसके लिए बड़ा आसान तरीका है। अब फ़ौरन हाथ उठाएं उसी वक्त, अल्लाह से कहें अल्लाह ताला ये मामला हो गया है। तो बुजुर्ग कहते हैं भाई तीन दफ़ा आप ये भी कहते हैं सिर्फ इतना सातवा मुस्तकीम, इतना सातवा मुस्तकीम, जितने इतनी तीन दफ़ा कहते हैं, सात दफ़ा कहते हैं, उसके बाद आप अल्लाह अपनी दरख्वास्त पेश कर दें कि अल्लाह ताला ये मैं काम करने जा रहा हूँ, या मुझे ये काम है मिले सही होगा तो कर देना, नहीं है तो मुझे वहाँ से हटा देना, बस इतना कहते हैं। सुभान अल्लाह, खुद ब खुद वो आपके सही काम होगा ना, वो एकदम होना शुरू हो जाएगा। ये नहीं इस्तखारे में तो ख्वाब देखे हैं, वो ख्वाब नजर आए और फिर आप उसको, इसका नाम इस्तखारा नहीं है। इस्तखारा तो हर वक्त करना चाहिए, अल्लाह से मांगने का नाम इस्तखारा है। तो भाई नहीं मिल रहा आपको बुजुर्ग, तो उससे मांगे। अगर मोहब्बत है, अगर मोहब्बत चाहते हैं अल्लाह की, अल्लाह ताला मुझे जिक्र चाहिए, तू कहता है हर वक्त जिक्र करो, मैं तो ये 10-15 तस्वीर कर लेता हूँ फिर सो जाता हूँ, रात भर खराटे मारता हूँ, और तू कहता है हर वक्त मुझे याद करो, इसका मतलब है कि जो 12 तस्वीर मैंने की हैं उस वक्त तो तेरी रहमत है, जब मैं उसको छोड़ देता हूँ तो तेरी रहमत फिर दूर हो जाती है। सुभान अल्लाह, ये क्या ताल्लुक हुआ? अब मैंने अब तस्वीर निकाले जेब से, लो ठीक है मैं तस्वीर करूँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ठीक है कर लिया, अल्लाह की रहमत भी आ रही है, बरकत भी आ रही है। अब मैं छोड़ दिया करना, बात ख़त्म, कनेक्शन ख़त्म। याद रखें अल्लाह से कनेक्शन उस वक्त तक रहेगा जब आप जिक्र करते रहेंगे, वरना है ही नहीं कनेक्शन। ये तो हदीसें बता रही हैं। तो उसके लिए है कि जो अपने दिल को जो है हर वक्त कर दो, उसके लिए आप ऐसा आदमी तलाश करें कि हाँ कैसे तलाश करना है, पहले तो लोगों से अल्लाह से पहले कहें अल्लाह ताला मुझे ऐसा दे, मैं अब सफ़र भी नहीं कर सकता, सेहत मेरी सही नहीं, बुरा जवानी ज़ाय कर दी, अपने सब चीज़ें ज़ाय कर दी, फलां उधर, लेकिन अब आज हदीस सुनी है तेरे हबीब की, अभी हदीस पहुंची है, अब मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि अल्लाह वाला से दे जो मेरा दिल जारी कर दे। सुभान अल्लाह, दिल जारी हो गया, ख़त्म, उसने आपका दिल जारी कर दिया, आप फारिग हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। बस फिर आप कुरान पढ़ रहे हैं, दिल आपका जिक्र कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, आपका दिल चल रहा है, आप सो रहे हैं आपको दिल चल रहा है, काम कर रहे हैं, हर इबादत में अल्लाह का जिक्र हो रहा है। कितना आसान तरीका है, करना जो नहीं, हमने मोहब्बत ही नहीं इस चीज़ की, शौक ही नहीं, नुकसान में जा रहे हैं हम लोग। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे। चलें थोड़ा सा जिक्र कर लें, दुरूद पढ़ें। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا تقبل منا إنك أنت التواب علينا إنك أنت التواب اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صلى الله تعالى على خير لكي محمد وعليه الصحابة جوعي برحمتك يا رحمة العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.